उदयपुर की खबर के साथ आपको बता दें कि उदयपुर की गिरवा से खबर आ रही है, जहां ग्राम पंचायत काया की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सुरफलाया में अचानक छत का प्लास्टर गिरा। और जानकारी दी गई कि इस प्लास्टर गिरने के बाद हड़कंप का माहौल बन गया, बच्चों की पढ़ाई के बीच में यह हादसा हुआ। और तस्वीर भी जरा आप देखिए कि किस तरह से ये प्लास्टर गिरा, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि गनीमत रही कि बच्चों के ऊपर प्लास्टर नहीं गिरा। फर्स्ट रियलिटी सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, एक टीचर के पैर में जरूर चोट लगी है। ये पूरी घटना स्कूल में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई, और जिसके फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। और फुटेज सामने आने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। शिक्षक भैरूलाल कलाल ने बताया कि स्कूल में 230 बालक और बालिका कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक पढ़ रही हैं। स्कूल के पास मात्र 4 कमरे हैं, उनमें 2 जर्जर है। जिन कंडम कमरों में जुलाई से पढ़ाई बंद कर दी गई, फिलहाल स्कूल में 11 क्लासेस हैं, जिसमें 4 क्लास बाहर ग्रीन नेट के नीचे और 4 बरामदे में और 3 क्लास एक कमरे में चल रही है। और जरा ये तस्वीर देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको ये सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि प्लास्टर गिरी और शिक्षा विभाग की लापरवाही, जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर है ये स्कूली बच्चे। और यहाँ पर गनीमत रही कि किसी भी बच्चे के बच्चों को चोट नहीं लगी, हालांकि एक शिक्षक के पैर में चोट लगी है, लेकिन आखिर कब तक ऐसे ही जर्जर अवस्था में, ऐसे ही जर्जर क्लासेस में बच्चे पढ़ते रहेंगे। और ऐसे में फर्स्ट इंडिया के सवाल आपको बताते हैं कि आखिर क्यों जिम्मेदार जो है लापरवाह बन रहे हैं। बड़ा सवाल अपने आप में ये है कि क्यों जिम्मेदार लापरवाह बन रहे हैं, विद्यार्थियों की सुरक्षा राम भरोसे क्या। जानकारी दे दें कि जिस तरह से यह हादसा हुआ, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। स्कूल के जर्जर भवन की सुध आखिर कब ली जाएगी, 2 कमरों में कैसे पढ़ रहे हैं 230 स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट इंडिया ये सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है, लापरवाही सामने आ रही है। और स्कूल के जर्जर भवन की सुध आखिर कब ली जाएगी, और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नारायण, देखिए उदयपुर के गिरवा का ये मामला है, जहां पे प्लास्टर गिरा और 2 कमरों में 230 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इस स्कूल में, तो लापरवाही जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई जा रही, जरा जानकारी साझा करें। देखिए इंदु, ये बहुत गंभीर विषय है, और जो सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, उस सीसीटीवी फुटेज को देखते ही हर माता पिता और अन्य देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जहां पर तकरीबन 7 से 8 फीट से ऊपर से बच्चों के ऊपर जो प्लास्टर गिरता है और एकदम धड़ाम से गिरता है और बच्चे सहम जाते हैं। ये मामला है उदयपुर जिले की गिरवा पंचायत समिति की काया ग्राम पंचायत के सुरफलाया स्कूल, जो हाल ही में 5वीं से 8वीं और 8वीं से 10वीं में क्रमोन्नत हुआ है। और क्रमोन्नत होने के बाद में यहाँ पर स्कूल की स्थिति पहले से जर्जर थी। स्कूल मतलब स्कूल प्रशासन ने शिक्षा विभाग को सूचित किया, क्षेत्र के एमएलए सिंह को सूचित किया, जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों को भी इस मामले को अवगत कराया, लेकिन अभी तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। जी बिल्कुल, देखिए नारायण, अगर बच्चे इसके जस्ट नीचे होते तो बच्चों को भी यहाँ पर चोट लग सकती थी। और सवाल ये कि आखिर कब इस जर्जर स्कूल की सुध लेगा प्रशासन। देखिए सबसे बड़े गंभीर विषय ये है कि वहां पर बैठे और शिक्षक और बच्चों के बीच में महज 6 से 7 इंच की दूरी ही रही, तो जो प्लास्टर गिरने की, बच्चों के बैग के ऊपर प्लास्टर गिरा है, शिक्षक के पांव पे लगी है, हल्की सी चोट लगी है, चोटिल हुए हैं। यदि बच्चा यदि उस दौरान यदि सामने थोड़ा सा और आगे होता तो यह मामला और भी बड़ा हो सकता था। ऐसे में बच्चे वहां से जैसे प्लास्टर गिरा, आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि बच्चे वहां से भाग खड़े हुए। जी इंदु बिल्कुल, और देखिए नारायण सवाल ये भी, 230 स्टूडेंट हैं और कमरे मात्र 2 जिनके अंदर वो पढ़ पाते हैं, बाकी बच्चों को बाहर पढ़ाया जाता है, बरामदे में पढ़ाया जाता है, तो कैसा स्कूल है आखिर ये? पूरे इसी जो सुरखलाया जो स्कूल है, यहाँ पे टोटल 4 कमरे हैं, जहाँ पर 2 कमरे जर्जर हो चुके हैं, जिनको कंडम घोषित कर दिया, जिनको जुलाई के बाद में बंद, इसको शिक्षा विभाग ने मना कर दिया कि इस कमरों में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन अब स्कूल को चलाना भी जरूरी है विभाग को, जिसकी वजह से इन्होंने जो 2 कमरे हैं जो हल्के जर्जर हैं और थोड़ा बहुत खंडहर अवस्था में है, उनमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन 10 क्लासें चल रही है,
बच्चों को बरामदे में या स्कूल के जो बाहर का जो एरिया है, पोस्ट एरिया जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, शिक्षा विभाग यदि समय पर इससे ध्यान नहीं दिया तो कभी और भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन नारायण, क्या शिक्षा विभाग को इन दो कमरों की स्थिति नजर नहीं आ रही थी? क्योंकि आपने बताया कि दो कमरे जो बचे हुए हैं जिनमें बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, वो भी थोड़ी थोड़ी जर्जर अवस्था में है, जैसे कि देखा कि प्लास्टर गिर गया। तो ऐसे में जो बच्चों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो जिम्मेदारी की जगह लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। जी देखिए इंदु, उदयपुर जिले के कई ऐसे कई दूरस्थ जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर ऐसी स्थिति बहुत ज्यादा ही है। आपने पहले भी देखा होगा केरवाड़ा क्षेत्र में स्कूल जो छत थी यूं की उठाए गई, जिसमें दो बच्चे की मौत भी हो गई थी। इसके अलावा कोटड़ा क्षेत्र में भी स्कूल था जो धड़ाम से गिर गया। इसी तरह जल्लारा में भी गत पर इसी दिसंबर के आसपास की बात है कि वहां पर भी एक स्कूल जो था वहां पे आठों के कमरों की छत ढह गई। ऐसे ही स्थिति में यदि उदयपुर गिरवासी ब्लॉक की बात करें तो कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर दो या चार कमरों के में स्कूल संचालित है, जबकि स्कूलों में जो कक्षा है 7 से 8 है, शिक्षकों की कमी है। पर लेकिन कई सारे भवन ऐसे जो जर्जर हो चुके हैं, शिक्षा विभाग मर्ज फॉर्मेलिटी करने के लिए स्कूलों को चला रहा है, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा होने की अंदेशा हमेशा रहता है। जी बिल्कुल नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जानकारी दी उसके लिए। तो आपको बता